हेलो दोस्तों, मैं हूँ रणवीर और आप देख रहे हैं रेल नॉलेज। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी रहेगी वो है 14796 कालका से भिवानी के बीच चलने वाली एकता एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन करता है और यह रोजाना चलने वाली मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जो रोजाना कालका से चलकर चंडीगढ़, अंबाला, कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत के रास्ते भिवानी जंक्शन पहुंचती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन कालका से भिवानी जंक्शन की कुल दूरी 299 किलोमीटर को करीबन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत स्पीड से 6 घंटे और 35 मिनट में तय करती है। और दोस्तों, इस ट्रेन का 14 स्टेशनों पर ठहराव रहता है, तो वहीं इस ट्रेन की अधिकतम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन को लेकर जाने वाले लोकोमोटिव की, तो इस ट्रेन को कालका से भिवानी जंक्शन तक गाजियाबाद लोको सेड का वेव 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन में कोचेज की, तो इस ट्रेन में आइसिया पर रेक श्रेणी के कुल 11 कोच रहते हैं, जिनमें दो कोच स्लीपर क्लास के, दो कोच एसएलआर के और 7 कोच जनरल क्लास के रहते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन के कालका से भिवानी जंक्शन तक के किराए की, तो इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया ₹225, तो वहीं जनरल क्लास का किराया ₹105 रहता है। दोस्तों, यह किराया कालका से भिवानी जंक्शन तक का है, लेकिन ये अपडेटेड किराया नहीं है क्योंकि रेलवे समय समय पर इस किराए में बदलाव करता रहता है। इसलिए अपडेटेड किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 14796 कालका भिवानी एकता एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना कालका से कालका रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से शाम में 4:55 पर रवाना होती है। दोस्तों, यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है चंडी मंदिर शाम में 5:13 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 5:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, चंडीगढ़ जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है 5:27 पे और 6 मिनट ठहरने के बाद 5:33 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले ठहराव धूलकोट 5:59 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:01 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, अंबाला कैंट जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है शाम में 6:20 पे और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 6:25 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों, शाहबाद मरकांडा यह ट्रेन पहुंचती है शाम में 6:43 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:45 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है कुरुक्षेत्र जंक्शन शाम में 7:11 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 7:13 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, नीलोखेड़ी यह ट्रेन पहुँचती है शाम में 7:28 पर और 2 मिनट ठहरने के बाद 7:30 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है करनाल शाम में 7:41 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 7:49 पर करनाल से रवाना हो जाती है। दोस्तों, घरौंदा यह ट्रेन पहुँचती है 7:58 पर और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद रात में 8 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, पानीपत जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है रात में 8:14 पर और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 8:16 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है इसराना रात में 8:45 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 8:47 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, गोहाना जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है रात में 9:10 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 9:12 पे यहाँ से रवाना हो जाती है।
दोस्तों रोहतक जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है रात में 10:14 पे, और 2 मिनट ठहरने के बाद 10:16 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज कलानौर कला रात में 10:35 पे, और 2 मिनट ठहरने के बाद 10:37 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज भिवानी जंक्शन रात में 11:30 पे, और यहाँ तक 299 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों ये थी 14796 कालका से भिवानी जंक्शन के बीच चलने वाली एकता एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।